पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चन परिवार से न सिर्फ अलग रहा बल्कि यह भी प्रयत्न किया कि उनके दिल में मेरे लिए नफरत हो। लेकिन आज अमिताभ बच्चन जी ने फिर मेरे पिताजी का सुमिरन किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसी सिंगापुर में 10 साल पहले गुर्दे की बीमारी के लिए मैं और अमित जी लगभग 2 महीने तक साथ रहे और उसके बाद हमारा उनका साथ छूट सा गया। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी निरंतरता में कोई बाधा नहीं आई और वो लगातार अनेक अवसरों पर, चाहे मेरा जन्म दिवस हो अथवा मेरे पिताजी की स्वर्गवास का दिन हो, हर दिन को स्मरण करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। तो मुझे लगता है कि मैंने भी अनावश्यक रूप से ज्यादा अमृता दिखाई। 60 से ऊपर जीवन की संध्या होती है और एक बार फिर मैं जिंदगी और मौत की चुनौती के बीच से गुजरा। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से मुझे और कोई कारण नहीं था, इस कारण कि हमसे उम्र में वो बड़े हैं, उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए थी और जो कटु वचन मैंने बोला उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में कठोरता और नफरत से ज्यादा उनके व्यवहार के प्रति निराशा रही। लेकिन उनके मन में लगता है न तो निराशा है न तो कठोरता है, बल्कि कोई ना कोई भाव है। इसलिए आज अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए जो 17 सुमन उन्होंने उनके आदर में व्यक्त किए हैं उसका संप्रेषण करते हुए ईश्वर से ही प्रार्थना है कि सबको ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार यथोचित न्याय दे और ये हमें ये सब ईश्वर को छोड़ना चाहिए बजाय इसके कि हम ईश्वर के कामकाज में खुद दखल दें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपके संदेश का।